जय हिंद दोस्तों। रेलवे की तरफ से आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के रिजल्ट को लेकर ऑफिशियली अपडेट आ चुकी है कि रिजल्ट किस दिन जारी हो रहा है। यहाँ पर बोर्ड की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें वहाँ पर मेंशन किया हुआ है। बढ़ते हैं नोटिस की तरफ। यहाँ पर पूरी डिटेल्स में हम जानते हैं क्या है अपडेट रिजल्ट को लेकर। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले जो एक न्यूज़ आई थी जिसमें इन्होंने बताया था कि 5 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक जो है रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 के रिजल्ट जो है जारी कर दिए जाएंगे। उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर नोटिस भी जारी कर दिया है रेलवे की तरफ से। यहाँ पर मैं आप लोगों को नोटिस प्रूफ भी दिखा देता हूँ कि नोटिस में क्या बोला गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये नोटिस यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है CN नंबर 01/2019, जो कि फॉर रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस एनटीपीसी ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट पोस्ट। ठीक है, फर्स्ट स्टेज सीबीटी के लिए यहाँ पर ये आप लोगों का रिजल्ट नोटिस है। और यहाँ पर उन्होंने बोला है कि जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हुआ था एनटीपीसी की पोस्ट के लिए, वो आप लोगों का कंडक्ट किया गया था 28/12/2020 से लेकर 31/7/2021 तक। और इसमें जो है 57 लाख स्टूडेंट्स ने जो है पार्टिसिपेट किया था। और यहाँ पर उन्होंने बोला है कि आंसर की भी इसकी रिलीज कर दी गई है। और यहाँ पर आप लोगों का जो है 16/8/2021 से लेकर 23/8/2021 तक ये प्रोसेसिंग हुआ है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं वेबसाइट पे कि आरआरबी की वेबसाइट पे 10/9 यानी 10 सितंबर को आप लोगों के जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। यहाँ पर ऑफिशियली जो है अनाउंस कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 3/9/2021 की अपडेट है। और ऑफिशियली जो है नोटिस के माध्यम से इन्होंने ये जानकारी दी है कि रिज़ल्ट जो है आप लोगों का 10/9/2021 को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जो भी अपडेट आती है यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले प्राप्त होती है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।